देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर 22 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में भाग जा का सारा लिखा हुआ देर रात तक चले मेरी आवाज सुनो सामाजिक संस्था वे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के सामूहिक तत्वाधान में अंबाला रोड स्थित क्रिस्टल पैलेस में आयोजित आजादी के सिपाही संतान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। लोकसभा सांसद श्री हाजी फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज मुल्क में हम जो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं और देश के संचालन के लिए जनता चुनकर नुमाइंदे भेज रही है, ये सब हमारी जस्टिस आगा हैदर जैसे बुजुर्गों की देन है, जिसमें इस मंच के माध्यम से है। खैराजे अकीदत पेश करता हूँ। पूर्व राज्य मंत्री प्रदेश सचिव अपना दल श्री सैयद शकील अहमद ने जस्टिस आगा हैदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपची स्वर्गीय श्री रहमत खान की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा न देकर अपना इस्तीफा देने वाले जस्टिस आगा हैदर साहब ने न सिर्फ देशभक्ति की मिसाल कायम की बल्कि दुनिया के सामने सहारनपुर का नाम रोशन किया है, जिसके लिए आज हम उनके वारिसान का खैर मकदम करते हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि देश के वीर सपूतों के वंशजों का सम्मान करते हुए मुझे अपने पर गर्व हो रहा है। जस्टिस आगा हैदर के नवासे सैयद तनवीर हैदर व नवेद हैदर ने देश के लिए कुर्बानी देने वाले घरानों को याद करते हुए एनबीडी से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमें किसी ना फांसी के फंदे पर चढ़ने की जरूरत है, ना कहीं हमें कोई जेल में जाने की जरूरत है। सिर्फ हम अगर अपना कोई फेर बदल कर रखें, उसको सही रखें, हम अपने देश के और अपने समाज के बारे में सोचे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आजादी महफूज रहेगी और मजबूत। हमारे पिताजी का मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको। ये उस वक्त जब ये जेल में रहा करते थे तो ये तराने गाया करते थे, कौमी तराने। तो सहारनपुर की जेल में थे, हमारे फादर थे डॉक्टर जोगोपाल जी थे, सहारनपुर थे और ये आसिफ खान जी थे, राजीव जी थे, ये सब यहाँ पर थे। तो ये सुपर हिट थे, हमने कौमी गाने गाया करते, कौमी गीत गाया करते। तो वहाँ जो अपराधी किस्म के लोग बंदी थे, उन्होंने क्या करते कुछ इशारा किया अंग्रेजों ने कि भाई तुम ऐतराज उठाओ, ये तो 4 बजे उतर तो शुरू करते। तो उन्होंने जाकर शिकायत की थे सब इधर होती है कि सुबह हमारी नींद हराम करते, 4 बजे उठे ये और बंदे मातरम और गीत बताने क्या क्या काम करें। होशियार था जेलर, जेलर से पार्डन को भाग के भाई तू जरा जा करते हैं समझा दे। अब वो वार्डन ने जा करके इनसे बात की, सुबह ही कह देगी भाई आप लोग ये सुबह ये फोन की तरह गाने कर दो, यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। अगर आज उसके साथ में बहुत ही गर्मा गर्मी की बात हुई और यहाँ तक की मोहब्बत आई कि उसके ऊपर कंबल डाल करके उसकी परेड करके अच्छी तरह से पिटाई करी। और जो वहाँ पे दूध रहे थे जिन्होंने शिकायत कर रखी थी, बहरहाल उन्होंने नाम बता दिया कुल थे। और मैं हमारे पिताजी डॉक्टर जोगोपाल जी, पंडित ताराचंद जी खिड़की अकबरपुर के 4-5 नाम बाद में आ गए। एक एक साल की सजा बढ़ा दी गई और हमारे पिताजी हमको यहाँ से मिर्जापुर के चुनार जेल में इस सिलसिला में बानियाने प्रोग्राम में उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को मना था। और खुदा करें तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार हों और हमेशा अच्छा हो। और हम ये दिखाने कि हिंदुस्तान में एक कौन ने एक मतलब नहीं बल्कि पूरी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। अपनी जानो अब भगत सिंह फांसी में करे उस वक्त 26 साल की लगे और उनके खेल लगे मगर हमसे असर से फांसी तो उन्हीं का जीते सर पड़ोसी की तमन नाम हमारे दिल में है, देख रहे हैं तो जीता उनके बातचीत में जशीर आगा। आपके क्या लगते थे कौन जशीर
मेरे सगे पढ़ना था जस्टिस साहब है, मेरे छोटे भाई जावेद है और मेरे बड़े भाई जावेद है उनका काम चुका है, उनके बेटे सैयद साहब की और जावेद की बेटी और आप टोल फॉल्स आप भी खुश आप लोगों को जस्टिस साहब है इधर के हम पढ़ना आते हैं अमित तक आन पर हाँ वो है और उनकी औलाद से हैं फ़खर है कि हम उनके लीगल वारिस भी हैं उनके नस्ब लैंड भी हैं हसब नस्ब से भी हैं हमें फ़खर है इस बात का और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा कि हम उनके औलाद में हैं और वो हमारे बुजुर्ग थे हमारे जद अमजद के बानी इफ्तिखार हुसैन जी जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैंने उनको अपनी आगोश में खिलाया है, खुदा इनको तरक्की दे।